हेलो स्टूडेंट, आज है 29 अप्रैल 2023 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स डेली मैं अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो लाइक का टारगेट है वह 30 का है और ये टारगेट आपको कंप्लीट करवाने में हमारी मदद करनी है। तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 28 अप्रैल, 26 अप्रैल, 24 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो दोस्तों, सही आंसर होगा हमारा 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इफको द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो टैप लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह ने पहला नैनो डेप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, कौन बना है? ऑप्शन है यूक्रेन, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रम में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो बना है वह बना है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात। तो दोस्तों, एयर एम्बुलेंस सेवा जो प्रारंभ करने वाले हैं वो राज्य है झारखंड। झारखंड ने ये सेवा प्रारंभ की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है शशिर शेख वेम्पति ने, आशीष कुंद्रा ने, कर्णपुरी ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शशिर शेख वेम्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौर सिंह का निधन हुआ है वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक, मुक्केबाज, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कौर सिंह है वो थे मुक्केबाज थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्केबाज। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने इस्तीफा दिया? ऑप्शन है सीएनएन, सीएनबीसी, बीबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीबीसी। बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने इस्तीफा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन है श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा और आलिया भट्ट। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू करने वाली आईआईटी है
आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने इसको प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है पुणे, गोवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्पाइसजेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित मिश्रा, हरिहर मिश्रा, अरुण कश्यप, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण कश्यप। अरुण कश्यप को स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, बाबर आजम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर आजम। बाबर आजम हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, बीजिंग, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? ऑप्शन है फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके। यूके ने भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है पृथ्वी कपूर, संजीव सान्याल, अर्जुन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी जो है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज का हमारा जो लाइक का टारगेट है 30 का है, और इसको पूरा करने में आप हमारी मदद करें।